नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। लक्षद्वीप में अगर अधिक संख्या में पर्यटक जाएंगे तो समस्या हो जाएगी, यह दावा देश के केंद्र शासित प्रदेश यानी लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल ने किया है। उन्होंने कहा है कि लक्षद्वीप के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वे भारी संख्या में पर्यटकों की संख्या संभाल पाए। शेयर बाजार ने नया ऐतिहासिक शिखर छू लिया है और बीएसई का सेंसेक्स पहली बार 73,000 के पार निकल गया है। एनएससी का निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई और 22,000 के लेवल से ऊपर निकल गया है। देश में आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है और इस दिन की शुरुआत हो चुकी है और भारतीय शेयर बाजार ने रिकॉर्ड स्तरों के साथ ओपनिंग दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को फसल कटाई के तमाम त्योहारों के मौके पर देशवासियों को बधाई दी और सभी की अच्छी सेहत के साथ जीवन में सुख और समृद्धि की भी कामना की। देश में आज जमकर मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू और उत्तरायण का त्यौहार मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा कि साधना, ध्यान और दान पुण्य की पवित्र परंपरा से जुड़े पावन पर्व मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें दो बसों के बीच टक्कर हुई है। इस हादसे में 40 यात्री घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। ट्रेनों के लेट होने की वजह से यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मकर संक्रांति के अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं को हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। जगत पिता सूर्य की उपासना का यह पावन पर्व उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में अलग अलग रूपों और नामों में मनाया जाता है। मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी नार्कोटिक्स सेल ने अग्रिपाड़ा इलाके से दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास 58 लाख रुपए की चरस ड्रग्स बरामद की है। मणिपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, यात्रा अभी शुरू हुई है और बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। यात्रा चलती रहेगी और इसका हमारे मनोबल पर असर पड़ेगा। मशहूर शायर मुनव्वर राना का लंबी बीमारी के बाद लखनऊ में निधन हो गया। उन्हें संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया था। उन्होंने 71 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हुई है। सोमवार को भी यात्रा मणिपुर में रहेगी और राहुल कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। अयोध्या में बनाए नए राम मंदिर के 22 जनवरी को उद्घाटन के लिए देश भर में जश्न का माहौल है, लेकिन चार पीठ के शंकराचार्य समारोह में शामिल नहीं होंगे। शंकराचार्यों का तर्क है कि मंदिर के उद्घाटन और रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा में शास्त्रीय विधि का पालन नहीं किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर पर कोहरे, ठंड और शीतलहर का ट्रिपल अटैक सोमवार को भी देखने को मिला। मकर संक्रांति की सुबह लोग जल्दी उठे तो उन्हें घने कोहरे की वजह से आसपास 10 मीटर के दायरे में कुछ भी नजर नहीं आया। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस के लिए अच्छी खबर आई है। यहाँ के सुदूर पूर्व में सबसे बड़ी सोने की खदान मिली है। रूस ने खुद सोने की खदान के मिलने की पुष्टि की है। यह खदान पूर्वी संघीय इकाई चुकोटका में स्थित है। रूस का दावा है कि इस खदान में 100 टन से अधिक सोना मौजूद है। मुंबई के कांदिवली इलाके में आग लगने की घटना सामने आई है। दरअसल कांदिवली स्थित 23 मंजिला SRS बिल्डिंग में सोमवार भीषण आग लग गई। यह आग बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर लगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस के पूर्व नेता मिलिंद देवड़ा को रविवार को अपनी पार्टी शिवसेना की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा, मैं मिलिंद देवड़ा जी का स्वागत करता हूं, उनकी पत्नी का भी स्वागत करता हूं। आज जो मिलिंद देवड़ा के मन की भावना है वो 1.5 साल पहले मेरी भावना थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अविभाजित शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे पर कड़ा प्रहार किया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बाबरी मेरी वजह से गिरी, मगर फिर वो ही राम मंदिर का विरोध करने वालों की गोद में बैठे हैं। आयरा खान और नुपुर शिखरे की वेडिंग रिसेप्शन खूब चर्चा में रही। पार्टी में देर रात तक मेहमानों का आना जाना लगा रहा। आमिर खान की इस ग्रैंड पार्टी में कई हाई प्रोफाइल लोगों ने शिरकत की। बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक जगत के तमाम हस्तियां शामिल हुई। वहीं टीवी जगत के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा भी न्यूली वेड कपल को अपना आशीर्वाद देने पहुंचे। बाबा बागेश्वर का एक बार फिर नाम चर्चा में आ गया है। दरअसल सोनू सूद, शहनाज गिल और जैकलिन फर्नांडिस समेत कई सेलेब्स ने बागेश्वर सरकार से मुलाकात की है। महेश बाबू की फिल्म गुंटूर कारण मकर संक्रांति के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म से महेश बाबू ने लंबे समय के बाद कमबैक किया है। लंबे समय से एक्टिंग से दूर होने की वजह से फैंस को उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। अब 12 जनवरी को गुंटूर कारण रिलीज हो चुकी है और इससे फैंस का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अमिताभ बच्चन ने एक खास काम किया है। उन्होंने अयोध्या में घर बनाने के लिए 14.5 करोड़ का प्लॉट खरीदा है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर ये लगातार चलता रहेगा। एनबीसी के तमाम दर्शकों को मकर संक्रांति की
दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।